अब देखिए ये अम्रपाली, अम्रपाली कौन थी? अम्रपाली को वैशाली की नगर वधु का दर्जा दिया गया था। अम्रपाली कौन थी? वैशाली की नगर वधू थी, जो अपने नृत्य के द्वारा लोगों का, राजा का, राजकुमारों का, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का मनोरंजन करती थी। तो अब ये वैशाली की नगर वधू थी, तो उसका इतिहास जानते हैं। वैसे अम्रपाली, सर्वप्रथम अम्रपाली का जन्म जब आम के पेड़ के नीचे हुआ था। उसके माता पिता का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आम के पेड़ के नीचे वो मिली थी, इसीलिए उसका नामकरण अम्रपाली पड़ा। लेकिन वो देखने में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत थी। तो जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसका खूबसूरती और भी निखरता गया, और बाद में चल के सब, जब बड़ी होने पर इतनी खूबसूरत दिखने लगी तो सब कोई उससे शादी ब्याह करना चाहता था। जबकि वह वैशाली गणराज का जितने भी धनाढ्य थे, राजकुमार थे या राजा लोग थे, सब कोई उसी से शादी ब्याह करना पड़ता था। तो उसके माता पिता जो थे, अंत में यही सोचे कि अगर अम्रपाली का शादी कर दिए तो फिर है ना फिर दूसरा लोग है ना फिर है ना इसमें इसको शांति से जीवन व्यतीत नहीं करने देगा, कहे कि ये इतनी इतनी खूबसूरत है तो इसको शांति से रहने नहीं देगा। तो एक वैशाली में एक सभा बुलाया गया, वहाँ के सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी सभा सदस्यों ने एक निर्णय हुआ कि ये इतनी खूबसूरत है, जो इसे शादी करेगा तो बाकी लोग इस पर हमला करके इसको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए इसको निर्णय सभा में ये निर्णय लिया गया कि इसको वैशाली की नगर वधु घोषित कर दिया जाए। नगर वधु यानी कि वैश्या। तो ये उस दिन वैशाली की ये नगर वधु घोषित हो गई, और ये लोगों का मनोरंजन करती थी, राजा राजकुमार का, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का मनोरंजन करती थी। तो ये इसका इसका बहुत बड़ा अम्रपाली का महल था, उपवन था, जहाँ पर लोग आते थे, मनोरंजन, नाच नाच ये सब देखते थे, तो इसका उनका मनोरंजन होता था। लेकिन एक दिन का क्या हुआ कि भगवान बुद्ध वहाँ वैशाली में भ्रमण करने आए, उनके साथ उनका शिष्य भिक्षु संघ भी आ गया। तो सबको है ना सुबह में भिक्षु का है ना वो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कुछ भिक्षु लोग है ना सो गए ये अम्रपाली के यहाँ भी चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तो वो अम्रपाली जब एक बौद्ध भिक्षु को देखी जो भिक्षा लेने आया था, तो उसके माथे का ओस तेज देख के एकदम अचंभित रह गई, कि वो सोची कि मेरे यहाँ तो इतना राजा आता है, राजकुमार आता है, किसी के माथे पर ऐसा तेज तो है नहीं, ये बौद्ध भिक्षु के माथे पर इतना तेज है। तो उसको बुलाई भिक्षा लेने के लिए, तो भिक्षा दी, बौद्ध भिक्षु गया, फिर उसको उसको भिक्षा भिक्षा लेने के लिए गया, तो उसको आम्रपाली भिक्षा दी, फिर उसको बोले, उसका तेज देख के बोले कि अभी है ना सो वर्षा ऋतु कुछ दिन में शुरू होने वाला है, तो सो इस वर्षा ऋतु में आप मेरे ही यहाँ महल में रहिए। तो फिर वो बोला कि नहीं सो, फिर बौद्ध भिक्षु जो था सो फिर बोला कि है ना सो नहीं सो सो हमको पहले इसके लिए भगवान बुद्ध से आज्ञा लेना होगा, जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पर आके नहीं रहेंगे। तो वो गया, फिर बौद्ध भिक्षु वहाँ पर गया, भगवान बुद्ध से सारा घटना का बारे में बताया, तो भगवान भिक्षु बौद्ध ने उसको आज्ञा देती है, जाओ तुम वर्षा ऋतु में उसी के यहाँ रहना। तो फिर और भी अन्य भिक्षु ये सब बोलने लगा कि नहीं, वो तो बहुत ही खूबसूरत है और राज नर्तकी है और एक तरह से वैश्याही है, ये जाएगा उसमें रहेगा तो खराबी हो जाएगा। तो बोले भगवान बुद्ध बोले नहीं, मुझे इस भिक्षु के संयम पर, ध्यान पर पूरा विश्वास है, ये है ना अम्रपाली को ही बदल देगा, ये अपने इसका कुछ खराबी नहीं होगा। तो इस तरह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेके बहुत जो बौद्ध भिक्षु था वो चला गया अम्रपाली के महल में, और वर्षा ऋतु में वहीं पर रहने का निर्णय लिया। लेकिन फिर वही बाद में है ना सो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो अम्रपाली है ना उस भिक्षु के साथ भगवान बुद्ध के पास आई, और है ना सो बोली कि हम इसको अपने आकर्षण में बहुत बांधना का कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बंधा, तो हमको अंत में यही हुआ कि अब भगवान बुद्ध हैं, आप ही के चरण में सत, अहिंसा, ज्ञान का, शांति का, मुक्ति का यही मार्ग है, सो हम आपका आपका बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आ गए हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षुणी बन गए बनना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध उसको आशीर्वाद देके बौद्ध भिक्षुणी
उसको बना दिए वैशाली के कोलुआ में, जहाँ पर अशोक स्तंभ वहीं पर अम्रपाली भगवान बुद्ध की बौद्ध भिक्षु बन गई और फिर वहाँ पर उसके उसका जीवन अच्छा खुशहाल हुआ। तो ये है अम्रपाली की कहानी।